हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक मेरी नई वीडियो में, जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पीर निगाहें। तो बिना किसी टाइम को खराब किए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चलो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं पीर निगाहें। यहां पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अभी हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस, अब देख सकते हैं सामने जो गेट लगा है, ये मंदिर पीर निगाह का है एंट्री गेट। और इधर से हमने अंदर एंट्री करके पार्किंग में गाड़ी उस तरफ लगाई थी। अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर प्रसाद की दुकान इस तरफ लगी हुई है। इधर ये बाइक की पार्किंग अलग से दी हुई है। और ये बीच में यहाँ की मार्केट जो कि बेहद ही खूबसूरत है। तरह तरह की मिठाइयाँ यहाँ पर प्रसाद के रूप में दी जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बार्गिंग करते हुए कस्टमर। इस तरफ चौड़ा घर है जहाँ पे आप अपने जूते चप्पल निकाल कर रख सकते हैं। इस तरफ से हम अब अंदर एंट्री कर रहे हैं गाइस। जैसे कि आज संडे है गाइस, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। इधर अभी बन रहा है, पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है अभी। ये अंदर का नज़ारा आप गाइस देख सकते हैं। आज बहुत ही कम रश है। अगर आप यहाँ पर भीड़ भाड़ पाओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री नहीं दिया है अंदर, जहाँ पे देखा जाता है यहाँ पर जो चलाई जा रही है। इधर गाइस संगत के बैठने का प्रबंध है। अब मत्था टेकने के बाद इधर कुछ देर बैठ सकते हैं, बट अगर ज़्यादा रश होता है तो इधर भी बैठने नहीं दिया जाता। जल्दी जल्दी मत्था टेक के बाहर की तरफ भेज दिया जाता है। और एक बात खास तौर पर ध्यान रखें, यहाँ पर जब भी ज़्यादा भीड़ होती है तो जेब कतरों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, आपकी जेब भी कट सकती है यहाँ पर। लिखा हुआ है प्रसाद नीचे ना गिराएं, क्योंकि लोग नीचे ही फेंक देते हैं। तो यहाँ पर ये मूर्ति ख्वाजा पीर की आप देख सकते हैं। इधर श्री हनुमान जी की भी मूर्ति लगाई हुई है। आप देख सकते हैं गाइस, ऊपर श्री राम जी की मूर्ति, साथ में शिव जी की पार्वती मूर्ति लगाई हुई है। बढ़िया
मूर्ति लगाई थी, यहाँ पर काली माता जी की मूर्ति भी लगाई हुई है इन्होंने। पीछे आप देख सकते हैं माता की मूर्ति लगाई हुई है ना, पीछे काली माता जी है, शेरावाली माता जी है, यहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी है, गाइस आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पेड़ है जिस पे धागा बांधा जाता है गाइस और मुराद मांगी जाती है, आप देख सकते हैं बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ अंदर का व्यू और सफाई का भी यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, साथ के साथ झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पर। ये गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीर बाबा जी का निशान है, निशान काफी ऊंचा बनाया हुआ है। गाइस हमने दर्शन कर लिया है और अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ पर दिखता हुआ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं उस तरफ।